प्रणाम दोस्तों, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग एंड आज आप लोग के लिए एक डेमो लेक्चर बना रहा हूँ मैं ऑन योर प्रोफेशनल सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग. अच्छा, ज़्यादा देर का टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे एकदम शॉर्ट वीडियो की तरह बनाते हैं. एक 5 मिनट का वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपके चैप्टर 1 में, अगर आप देखें तो जो अपन लोग फंडिंग के अंदर बात करते हैं कि भाई कैसे एक कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती, कैसे कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती, मैं उसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए. तो भाई देखिए, अगर आप लोग कभी भी पब्लिक इशू करना चाह रहे हैं, आप लोग कभी भी पब्लिक इशू करना चाह रहे हो, तो यार दो तरीके से आप अपने पब्लिक से पैसा रेज कर सकते हैं. आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हैं. अब जब आप अपने शेयर्स इशू करते हो तो प्राइस कैसे डिसाइड करोगे? तो क्या होता है, हमने बोला कि भाई जब कभी भी एक पब्लिक इशू में आप लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं तो इशू करने के दो तरीके होते हैं. पहला तरीका होता है जब आप फिक्स्ड प्राइस मेथड फॉलो करते हैं, और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग मेथड. ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे आप पब्लिक को अपने शेयर्स पहुंचा सकते हैं और पब्लिक को चार्ज कर सकते हैं कि भाई कितने रुपए उन्हें देने पड़ेंगे मेरे शेयर्स खरीदने के लिए. अच्छा, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टर्म, जो आप बोल रहे हैं कि फिक्स्ड प्राइस मेथड है. अच्छा, फिक्स्ड प्राइस मेथड में आप बहुत सिंपली कह सकते हैं, नाम में लिखा है इट्स अ फिक्स्ड प्राइस मेथड. मतलब क्या हो गया इसका कि भाई कंपनी पहले से ही अपने इंटरनल मैनेजमेंट के साथ बैठकर प्राइस डिसाइड कर लेती है. मतलब आपका कोई काम ही नहीं भाई, दे विल डिसाइड द प्राइस एट व्हाट दे आर गोइंग टू इश्यू द शेयर्स. अच्छा, तो अब इसके लिए अपने को ज्यादा बात नहीं करनी. जब अपन लोग इसे इन डिटेल पढ़ेंगे तब अपन इसके पढ़ेंगे फॉर्म्स कि किस तरीके से आप फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस डिटरमाइन करते हैं. आज का कंसेप्ट और आज का डिस्कशन चल रहा है आपके बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ऊपर. अच्छा यार, बुक बिल्डिंग प्रोसेस आपके फाउंडेशन से स्टार्ट हो जाता है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नई चीज है, बट क्योंकि आप अब फाइनल लेवल पे आ चुके हैं तो अब इसके बारे में हर चीज पता होनी चाहिए. तो लेट्स सी हाउ बुक बिल्डिंग प्रोसेस एक्चुअली वर्क्स. तो बच्चे, जब आप बुक बिल्डिंग प्रोसेस की बात करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बुक बिल्डिंग प्रोसेस को आप दूसरा नाम क्या देते हैं? अल्टरनेट प्राइस डिस्कवरी मेथड. ठीक है, तो आपने बोल दिया भाई एक अल्टरनेट तरीका है प्राइस डिस्कवर करने का, तो अल्टरनेटली आप प्राइस कैसे डिस्कवर करोगे? अगर पहले वाले केस में आपने लिखा है कि भाई फिक्स्ड प्राइस मैं अपने को बता दूंगा, तो जाहिर सी बात है कि अल्टरनेट में आप फिक्स प्राइस नहीं बताएंगे. तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस क्या करता है भाई, अपने लोगों को एक इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस इशू करता है. अगर आपको याद हो तो आपने फाउंडेशन में, एग्जीक्यूटिव में, प्रोस्पेक्टस के अंदर एक सबसे कॉमन टर्म पढ़ी होगी जिसको अपन बुलाते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. अच्छा, इसका मतलब क्या होता था रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का, कि भाई द प्रोस्पेक्टस इज इनकम्प्लीट. अब इनकम्प्लीट क्यों है, हम लोगों के पास पेन नहीं था लिखने के लिए. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या करता है, बोलता है कि यार या तो मैं क्वांटिटी या फिर प्राइस मिसिंग छोड़ता हूं. तो जाहिर सी बात है कंपनी क्या करती है, प्राइस को मिसिंग छोड़ देती है. और वो इस प्राइस को मिसिंग छोड़ के बोलती है कि आप क्या करो, एक काम कर दीजिए कि क्या करना, आप बिड करो, आप बिड करो कि आप मेरे शेयर से कितने में खरीदने को तैयार हैं. बात खत्म. आपने बिड करी, अगर आपकी बिड मेरे हिसाब से सही है मैं आपको शेयर अलॉट कर दूंगा. अब यार अगर ऐसे बोलें कि आप बिड करना, तो कोई बिड करेगा ₹1, कोई बिड करेगा ₹110. इसीलिए द नेक्स्ट आइडिया इन बिग बुक बिल्डिंग प्रोसेस इज दैट आप अपनी प्राइस रेंज देते हैं. ठीक है, तो प्राइस रेंज देने का मतलब क्या होता है भाई, कंपनी डिसाइड कर लेती है कि भाई मेरा शेयर कम से कम आपको ₹100 बिड करना पड़ेगा अगर कोशिश भी करनी है शेयर खरीदने की, और साथ साथ में एक अलग से प्राइस देगी जो इससे ऊपर होगी. मान लीजिए यहां पे मैं 120 लिख रहा हूं. ठीक है, तो बेटा ये जो मिनिमम प्राइस आपको कंपनी बोलती है इसको आप बुलाते हो फ्लोर प्राइस, और ये जो ऊपर की साइड देख रहे हैं आप इसको आप बुलाते हो कैप प्राइस. ठीक है एकदम. अब हमेशा याद रहे द डिफरेंस बिटवीन दिस प्राइस रेंज ऑफ फ्लोर एंड कैप कैन नेवर बी मोर देन 20%. तो मतलब ये 100 है तो वो 120 होगा, एंड साइमल्टेनियसली आप लोग मतलब 100 and 120% ऐसे ही चलना पड़ेगा आपको. अब बेटा प्राइस रेंज कौन डिसाइड करता है? तो बच्चे बुक बिल्डिंग करने के लिए आप लोग एक बुक रनर अपॉइंट करते हैं. अच्छा, बुक रनर कौन होता है? आप क्या करते हो,
एक लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लेते हैं जो आपका लीड बुक रनर बन जाता है। मर्चेंट बैंकर कौन होता है? जो आपकी कंपनी के शेयर्स की प्लानिंग से लेके अलॉटमेंट तक, और अलॉटमेंट नहीं कर पाए तो रिफंड तक आपके साथ रहने वाला है, ये कौन होता है? आपका बुक बिल्डिंग प्रोसीजर के अंदर आता है। ठीक है एकदम। तो भाई मान लीजिए आपने लीड मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लिया जो बुक रनर की तरह चल रहा है। इसके साथ, क्योंकि अभी ये डेमो वीडियो है तो मैं इसके अंदर और नहीं जा रहा, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि इसके साथ आप और भी सिंडिकेट मेंबर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सिंडिकेट मेंबर्स का मतलब क्या होता है? जो इस इशू में हमारा साथ देने वाले हैं, जो हमारे साथ और आगे चलने वाले हैं सारे प्रोसीजर्स खत्म करवाने के लिए। अब भाई आपने बिड दे दी 100 से 120 रुपए, अब अपन क्या करते हैं, ये इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस पब्लिक को देते हैं कि भाई लगाओ बिड। अब रूल क्या कहता है, जिस दिन आप ये ऑफर बाहर लेके आ जाते हैं वहां से कम 3 दिन के लिए आपका इशू ओपन रहना चाहिए। कम से कम आपका इशू कितने दिन ओपन रहना चाहिए बेटा? 3 दिन के लिए ओपन रहना ही चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन रह सकता है? तो वी से मिनिमम 3 डेज, और मैक्सिमम आपका इशू कितने दिन ओपन रह सकता है? 10 डेज के लिए ओपन रह सकता है। अच्छा, अब एक बात समझना यार, व्हाट इफ आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहा, व्हाट इफ आपके शेयर्स नहीं बिक रहे? तो जाहिर सी बात है आप अपनी प्राइस रेंज को रिवाइज करना चाहेंगे। तो इसी से मैं आपको एक चीज फैक्ट की तरह बता दूं कि जब कभी भी आप रिवीजन करने जाते हैं, रिवीजन कभी भी ऊपर की तरफ नहीं हो सकता। रिवीजन कब होता है? हमेशा नीचे की तरफ होगा, आपने रिवीजन नीचे की तरफ जाना होता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस रिवीजन हमेशा नीचे की साइड जाएगा। ठीक है भाई, आप रिवीजन कर दीजिए। अब याद रहे, जिस दिन आपने रिवीजन कर दिया ऐसे केस में आपको जिस दिन रिवीजन किया वहां से 3 डेज के लिए इशू को और ओपन रखना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप रिवीजन मैक्सिमम आपके इशू ओपन होने के 7 डेज के अंदर ही कर पाएंगे? क्यों बेटा? क्योंकि उसके बाद तो आपको 3 डेज के लिए और इशू को ओपन रखना पड़ेगा। अब वापस आ जाते हैं। अच्छा, प्राइस रेंज दे दिया आपने, आपने 3 दिन का रिविजन वाला पीरियड बता दिया। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज, भाई अलॉटमेंट में कट ऑफ प्राइस कैसे निकालोगे, कैसे डिटरमाइन करोगे कट ऑफ प्राइस क्या है? तो चलिए एक बार मान लेते हैं, जस्ट मैं किसे हाइपोथेटिकली बना रहा हूं, द प्राइस एंड विच बिड कितनी आई। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि कंपनी 3 लाख शेयर्स इशू करना चाहती थी, प्राइस कितनी है भाई? 100 से 120 का बिड चल रहा था, तो भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं 115, 116, 117, 118, 119, 120। अब बात समझिएगा, जब आप बात कर रहे हो 115 की, तो यहां पे हमने बोला कि भाई यहां पे बिड आई 1 लाख शेयर्स के लिए, 116 पे 50,000 शेयर्स के लिए बिड आई है, 117 पे 20,000 बिड आई है, 118 पे 30,000 शेयर्स के लिए बिड आई है, यहां पे 1 लाख शेयर्स के लिए बिड आई है, और 120 पे भी 1 लाख शेयर्स के लिए बिड आई है। अब कट ऑफ प्राइस कैसे निकालोगे यार, सबने इतनी सारी बोलियां लगा रखी है। अब रूल ऑफ कट ऑफ प्राइस क्या कहता है, हाईएस्ट प्राइस एट विच मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन अचीव्ड। अब दिमाग लगाओ, अगर अपन ने 120 का प्राइस सेलेक्ट किया, अगर कट ऑफ 120 निकाला मतलब हम 120 पे शेयर्स देंगे, तो 120 पे आपके कितने शेयर्स बिकेंगे? सिर्फ 1 लाख, बिड लगाने का फायदा ही नहीं है। अच्छा, अगर मैंने 119 किया तो क्या होगा, 119 पे 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन है, और साथ साथ में जो 120 वाला है वो भी अपने को मिल जाएंगे, पर अभी भी कितने हुए, 2 लाख सब्सक्रिप्शन ही हुए, और अपने को कितना बेचना है भाई, 3 लाख शेयर्स बेचने। अच्छा, 118 पे चले जाओ, अगर मेरी कट ऑफ प्राइस 118 पे हुई तो 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000, अभी भी कितना हुआ, 2,30,000, अभी भी पूरा नहीं हो रहा। 117 पे चले जाएं, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000, 2,50,000, अभी भी आपका सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ। अब देखो, जब आप 116 का कट ऑफ प्राइस निकाल रहे हो, नोटिस करके देखिए, जब आपने 116 का कट ऑफ प्राइस निकाला, मतलब जो भी लोग 116 पे बिड कर रहे हैं वहां से और उसके ऊपर वाले, मैं सबको सब्सक्रिप्शन दूंगा। अब कैलकुलेट कर लो, 50,000, 20,000, 70,000, 70,000 और 30,000, 1 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, 1 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख,
तीन लाख शेयर बेचने थे, 3 लाख का सब्सक्रिप्शन आ गया, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरी कट ऑफ प्राइस क्या आएगी? 116 आ जाएगी। दिस इज हाउ योर कट ऑफ प्राइस इज कैलकुलेटेड, जहां पे आपकी जिस प्राइस पे आपको मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाए वो आपकी कट ऑफ प्राइस है। अब इससे जो पीछे वाली बिड्स हैं, मतलब 115, 114, 113, 12, 11, इन सबको आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दो और इनको इनके पैसे क्या कर दो, रिफंड कर दो। और इसके आगे जो बिड्स आई हैं, मतलब 116 या फिर इसके आगे जो बिड्स आई है बेटा, इन सारी बिड्स को आप क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। पर बच्चे एक बात समझना, इनको कितने रुपए पे शेयर अलॉट होगा, द कट ऑफ प्राइस, मतलब 116 पे। तो ऐसे केस में जितने शेयर्स इनने मांगे हैं उनको अपन दे देंगे शेयर्स एट द रेट ऑफ 116 रुपीज अगेन, और जो पैसे आपने एक्स्ट्रा दिए वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मतलब कि जो 50,000 सब्सक्रिप्शन आए थे 116 पे, इनको कुछ पैसा रिफंड नहीं होगा, इनको शेयर्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरी कट ऑफ प्राइस ही क्या है, 116। जो एप्लीकेशंस 117 पे आई थी इनको 1 रुपया वापस करूंगा, जो 118 पे आई थी इनको 2 रुपये वापस करूंगा, 119 वालों को 3 रुपये वापस करूंगा और 120 वालों को 4 रुपये वापस करूंगा। तो दिस इज हाउ द शेयर्स आर अलॉटेड एंड रिफंड इज गिवन। दिस इज द एंटायर प्रोसीजर फॉर योर बुक बिल्डिंग मेथड, जिस तरीके से आप लोग मार्केट में प्राइस डिस्कवर कर सकते हैं कि इतने रुपए पे भाई मेरे शेयर्स आराम से 100% बिक जाएंगे। आई होप ये वीडियो आप लोग को एकदम क्लियर था, और वेलकम टू द प्रोफेशनल फैमिली। आई होप कि हम लोग आगे मिलेंगे और इस पूरे कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू।